पढ़ाई कम सियासत ज्यादा, कुछ ऐसा ही माहौल अब देश में बना हुआ है। और आज इसी माहौल पर दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर R9 टीवी पर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। आज की बहस उस मुद्दे पर है जिसको आप जानते जरूर होंगे लेकिन उसकी अहमियत को अभी तक शायद ही आप समझ पाए होंगे। आज सवाल देश के भविष्य का है। जी हां, क्यों देश का भविष्य यानी कि छात्र भटका हुआ नजर आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा हो, जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA का मुद्दा हो या फिर JNU में हिंसा का मुद्दा हो, विरोध और विरोध के बीच सियासत एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। सवाल ये अहम इसलिए भी हो जाता है कि देश का युवा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, इसी सियासत का शिकार क्यों हो जाता है? तो क्या सियासत इस कदर गिर गई है कि छात्रों के सहारे अब अपना फायदा देखती है? बस इसी सवाल पर अगले एक घंटे तक हमारी चर्चा होगी। छात्रों के इस आंदोलन के असर को भी हम समझेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका असर कहां तक होगा। लेकिन इन सबसे पहले चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। CAA, NRC, फीस बढ़ोतरी, ऐसे कई बहाने हैं जिनके नाम पर आज छात्र मैदान में हैं। स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा सियासत चल रही है, भविष्य बनाने से ज्यादा सियासत चमकाने पर ध्यान दिया जा रहा है। और आंदोलन के नाम पर शुरू हुई सियासी जंग अब जंगल में आग की तरह फैल रही है। अब इन ताजा तस्वीरों को जरा देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज ने भी आजादी के नाम पर शोर मचाना शुरू कर दिया। सियासत से दूर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी राजनीति के मैदान में जोर आजमाइश करती नजर आई और विपक्ष इस मौके का फायदा उठाने में लगा नजर आया। निश्चित रूप पर ये BJP सरकार किसी भी कैंपस पर उनकी नीतियों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसका ये नतीजा है। और आप इस प्रकार स्टूडेंट्स की आवाज को दबा नहीं सकते। मोदी जी और अमित शाह जी, देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। गुंडों पर लगाम लगाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वरना देश के भविष्य का क्या होगा? शिक्षा से सियासत के मैदान में बदले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो सियासी नेता भी अपनी रोटियां सेकने लगे। यूनिवर्सिटी से शुरू हुई सियासी जंग में अपने फायदे ढूंढते अखिलेश यादव पहुंच गए और हाल ही में BJP का दामन छोड़ अलग हुई शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी सरकार पर हमलावर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने युवक डरने वाले नहीं, युवा डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। शिक्षा के मंदिर जब राजनीति की मंडियों में बदलने लगे तो वोटों की बोली लगाने के लिए कई महारथी भी सामने आए। लेकिन राजनीति के इस खेल में देश के युवा सबसे ज्यादा पिस रहा है। भविष्य बेहतर बनाने वाली पढ़ाई कम होती जा रही है और सियासत ज्यादा होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो अब पढ़ाई कम सियासत ज्यादा नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन गलत नहीं लेकिन भटकाव की एक स्थिति देखने को मिल रही है। अब पीछे कौन है, किस तरह की भटकाव है या भटकाव नहीं है, तो अगर इनकी बात है तो हिंसा का क्या इसमें रोल बनता है? बिल्कुल किसी तरह के आंदोलन में
हिंसक या उग्र आंदोलन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो छात्र आंदोलन क्यों ना हो। तो कुछ सवाल उठते हैं। R9 टीवी के ये सवाल है, राजनीति में छात्रों को क्यों शामिल किया जा रहा है? राजनीति में छात्र अगर फंसे तो देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर आप वहां से राजनीति करने लगेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? क्या छात्रों के बहाने अब विपक्ष राजनीति कर रही है? हिंसक आंदोलन से छात्र जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या देश का युवा भटक रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं हम तलाशेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। बीजेपी के लीडर कैप्टन आई सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर अजय अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सपा के नेता संजीव चौधरी और आपके नेता अंजू रानी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ जेएनयू के छात्र नेता लेफ्ट विंग से हैं, ये भी बता दूं, सुभांशु सिंह वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुभांशु, आपत्ति तो नहीं है लेफ्ट विंग कहा इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, तो चलिए अब सवाल, क्योंकि आप ही से पहले सारे सवाल छात्रों से उठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और सही बात है, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। किस तरह की आजादी चाहिए? जिस तरह की बार बार जेएनयू में ये बात उठती है, हमें चाहिए आजादी, सुनसान सड़क पर आजादी, किस तरह की आजादी? आजाद मुल्क है वहां, किस तरह की आजादी चाहिए? तोड़फोड़ करने की आजादी, मारपीट करने की, सर्वर रूम तोड़ डालने की, सड़क पर निकल के हिंसक मार्च निकालने की, किस तरह की आजादी चाहिए बताइए। देखिए बिल्कुल इसको परिभाषित करने की जरूरत है, अगर आप तक वो बात नहीं पहुंची है। जब आप पूछ रहे हैं सुनसान सड़क पर आजादी, वो एक जेंडर मूवमेंट से निकला हुआ एक स्लोगन है कि सुनसान सड़क पर लड़कियों को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो आधी रात में घूम सके बिना किसी डर के। और आज जिस हम आजादी की बात कर रहे हैं, वो पढ़ने की आजादी ही चाहिए कि कोई भी गरीब परिवार से कोई छात्र आता है, दलित परिवार से आता है, आदिवासी परिवार से आता है, उसको उतनी ही पढ़ाई की आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी दूसरे लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास अगर कम पैसा है तब आपको पढ़ाई का सपना जो है वो सोच समझ के देखना पड़ेगा या वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। उसी के लिए आंदोलन जेएनयू ने शुरू किया था, फीस बढ़ोतरी का आंदोलन था और 3 महीनों तक वो बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से, बॉयकॉट का एक कॉल दिया गया था, बॉयकॉट से नॉन वायलेंट मोड ऑफ प्रोटेस्ट कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे वो जो आंदोलन था वो देश के अलग अलग कोनों में उसकी आवाज़ गई, उसको खत्म करने के लिए, उसका दमन करने के लिए ही गुंडों का सहारा ये सरकार ले रही है, या जो जो भी व्यक्ति जो छात्रों से डर रहे हैं या छात्रों को दमन करना चाह रहे हैं वो उसका गुंडों का सहारा ले रहा है। अब जामिया में क्या कर रहे थे छात्र? तो पढ़ ही रहे थे लाइब्रेरी के अंदर। पुलिस क्रैकडाउन होता है, आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि लाइब्रेरी के अंदर जाके टीयर गैस शेल डाले जाते हैं। इस बार जेएनयू में नहीं गई तब भी आप हल्ला कर रहे हैं? नहीं, जेएनयू में उन्होंने देखा कि, देखिए क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, पहले जामिया में गए फिर एएमयू में गए, वो दोनों पुलिस क्रैकडाउन हुए। अब क्योंकि जेएनयू आपका पहले से एक फोकल पॉइंट बना हुआ है और उसको पहले से दुश्मन बना रखा है, इसलिए गुंडों का सहारा लिया गया। ये आप सबूत देखिएगा कि व्हाट्सएप मैसेज में ये प्री प्लान एक कॉन्स्पिरेसी रची गई कि कैसे छात्रों को ऊपर हिंसक तरीके से हमला करना है। 3 जनवरी को क्या हुआ सुभांशु? 3 जनवरी को क्या हुआ? सर्वर रूम में किसने तोड़फोड़ की? देखिए 3 जनवरी का वाक्य 5 जनवरी के वाक्य से अलग है। 3 जनवरी के वाक्य में अगर जो प्रशासन का नैरेटिव है या जो आरोप है, नहीं, क्या ये बात नहीं कहे जा रहे थे लेफ्ट विंग की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, छात्रों से भी अपील की आपने रजिस्ट्रेशन ना करवाएं? अब छात्र अगर पहुंचे हैं और कुछ लोग पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आपके लोग घुस जाएंगे, सर्वर रूम को डैमेज करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, रजिस्ट्रार को, सभी लोगों को बाहर निकाल देंगे, लाइट्स ऑफ कर देंगे, ये किस तरह का आंदोलन? बेबुनियाद आरोप है, रजिस्ट्रार को कोई बाहर नहीं निकाला है, अगर कोई प्लग नहीं, तोड़फोड़ की गई है, तोड़फोड़ की गई है, डराया गया, रजिस्ट्रार का बयान है, रजिस्ट्रार का बयान है, माफ लड़े हुए हैं ये पूरा कैंपस
गेट से बाहर खड़े हो जाते हैं पूरे जेडीयू में धमकी देते हैं कि हमें खड़े हुए मारेंगे, इन्होंने वहां पर कमेंट करेंगे, पढ़ने वाले छात्रों को रोकने का इनका काम है, ये नहीं चाहते कि वहां छात्र पढ़ाई करें, इनका काम सिर्फ नेता की करना रह गया है, फंडित आंदोलन, ये फंडित लोग हैं इनको फंड किया जा रहा है, वहां लोगों को पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, तो कल ये भले निंदा करा रहे हैं। सुभांशु फीस बढ़ोतरी को लेकर जो आंदोलन हो रहा था वो तो फिर भी सही माना जा सकता है, क्योंकि छात्र राजनीति तो यही कहती है कि कैंपस के भीतर राजनीति होनी चाहिए। सीए को लेकर भी विरोध उसमें आ गए, उसमें आप लोग मार्च निकालने लगे, संसद भवन तक जाना है, और कई तस्वीरें देखी। देखिए मैं पुलिस की तरफ से, मैं कोई साइड नहीं ले रही हूं, पुलिस की तस्वीर भी आई, लेकिन अगर स्टूडेंट बसों को तोड़फोड़ करेंगे, आग लगाएंगे, तो फिर पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रहेगी। और आप इस तरह की आजादी चाहते हैं? नहीं, जेएनयू के छात्रों के बाइट है सुभांशु, जेएनयू के छात्र ये कह रहे हैं कि 3 जनवरी को जो वाक्या घटा है, पहले लेफ्ट विंग के छात्रों ने इस तरीके से किया, फिर एबीपीपी के छात्र जब इकट्ठा हुए और वो बातचीत कर रहे थे कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं रुकाना चाहिए, तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, जेएनयू के छात्र का स्टेटमेंट है। अब आप बताइए कि छात्र भी झूठा, वो भी बीजेपी ने उसको प्रोपेगेंडा के तहत डाला। हम भी चाहते हैं, मैं कह रहा हूं 3 तारीख का जो इंसिडेंट है काम वो टोटल वहां पर जो है ना नेता की जी करना है, बोल दिया था ये नहीं चाहते, आप नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कैप्टन भाई ने वहां पर पढ़ाई हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई आप नहीं चाहते, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, पुलिस को इतने घंटे लगते हैं सर, पुलिस को इतने घंटे लगते हैं कैंपस में जाने के लिए, परमिशन लेने के लिए। आप किस संविधान की आजादी मान रहे हैं? संविधान मानते हैं, संविधान हुआ वो आजादी की बात हुआ, आज फिर से संविधान की आजादी चाहिए तुम्हें, ढालने का जरूरत है, वो आजादी हम चाहते हैं। संविधान, संविधान की जो संविधान का मार्क कर रहे हो, संविधान वैल्यूज है वो, संविधान की बात हमारे कैंपस में, नहीं 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 नहीं, सुभांशु 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 किसने राइट दे दिया, किसने आपको राइट दे दिया कि हर चीज पे आप कैंडल मार्च निकाले, किसने दे दिया? सीए का विरोध करेंगे, कैंपस के अंदर करेंगे, छात्र राजनीति क्या कहती है, छात्र राजनीति क्या कहती है? आप गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे ना छात्र राजनीति के नाम पे? कानून बन चुका है, संवैधानिक एक रास्ता है, विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक एक रास्ता है, आप इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप अपने अपने आंदोलन को सही ठहरा रहे हैं। अजय अरोड़ा जिस तरीके से आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है, सुभांशु बस मानसिकता की बात है सुभांशु मानसिकता की बात है। अगर आप आरएसएस के गुंडे और उसके गुंडे कह रहे ना, तो मानसिकता की बात है। बहुत लोग लेफ्ट के गुंडे भी कहते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। छात्र छात्र होता है, छात्र छात्र होता है, लेकिन प्लीज मानसिकता की बात है, इसी मानसिकता से लड़ाई की बात है। अजय अरोड़ा हो गया कैप्टन आई हो गया कैप्टन आई। सरकार के प्रतिनिधि को ना थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये पेशेंस की कमी है कि हालात इतने बिगड़ रहे हैं। अजय अरोड़ा, बीजेपी राजनीति कर रही है, आप भी यही मानते हैं कि ये जो सियासत हो रही है छात्रों के पीछे छिपकर, ये कौन कर रहा है? क्या आप सियासत नहीं कर रहा है? सुभांशु रहने दीजिए सबको पता है। हम किसलिए बैठे हैं? हमें आपने किसलिए बुलाया है? कैप्टन आई थोड़ा पेशेंस रखिए, ये पेशेंस नहीं है सरकार में और ना उनके प्रतिनिधियों में, ना उनके कैप्टन आई। ऐसा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा सर। सुभांशु प्लीज मैडम, कैप्टन भी बोल दो एक बार, कैप्टन साहब का तो नंबर तब से मैं कैप्टन आई बोल रही हूँ। अजय जी आपको सुनाई दिया होगा, इस पर आप राजनीति
राजनीति बात कर रही हूँ। चलिए कैप्टन साहब ना बोलेंगे, कोई बार बार टोक रहे हो। एक मिनट है जी, आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं, यहाँ बैठे तमाम पैनलिस्ट इस बात का सबूत है कि मैं सबसे पहले कैप्टन आई को बोल रही हूँ। आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं कि मैं सुभांशु का नाम ले रही हूँ और उनको चुप नहीं करा रही हूँ। क्या बात करते हैं सर, इतना स्तर मत गिराइए, इतना स्तर मत गिराइए। बोलने का दम रखिए, बोलने का दम रखिए, सुनने का पेशेंस रखिए आप लोग। कैप्टन साहब ऐसा कर रहे हैं, इनको यही मार देंगे। आज है अरोड़ा, आप बोलिए। इनको यही ऐसा लग रहा है जैसे इनको मार देंगे यहीं पे। कोई छात्र, अरे आप क्यों, मैं बैठी हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना देखने के लिए कौन किस पर हाथ उठाएगा। मैं बैठी हूँ यहाँ श्वेता जी, मैं बैठी हूँ। आप बारी बारी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं। वही तो कर रही हूं सर। 20 मिनट तो आप, एक मिनट, आप सिस्टम ये नहीं है डिबेट का। तो आप सबकी राय लीजिए, आपने मेरा नाम लिया, कैप्टन साहब बोल पड़े। मैं बोल रही हूँ, मैं उन्हें शांत कराऊंगी, तब तो मैं आपके पास आऊंगी। अजय जी बिल्कुल साबित हो गया, चलिए अजय अरोड़ा, अभी साबित हो गया यहाँ चैनल में बैठे बैठे डिबेट में युवाओं की आवाज कैसे दबाई जा रही है। ये बिल्कुल, ये इनकी परंपरा है। ये सरकार छात्र विरोधी, छात्रा विरोधी, बेटी विरोधी। आयुषु गोज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी बेटी को। कैप्टन साहब आपके पीछे मैं नहीं बोलना, आपकी बारी आएगी, ब्यास समेत बोलना। बीच में बोलेंगे, सबको सुन लीजिए ना कैप्टन। तो श्वेता जी, छात्रों के साथ, देना तो बनता है, बेटियों के साथ, जेएनयू के अंदर जहां पुलिस की आपने बात की, जिस प्रकार से छात्रों के वॉशरूम में, लाइब्रेरी में बेटियों के साथ हुआ, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरी बात, जेएनयू के अंदर नकाब पोशाते हैं, पुलिस प्रशासन की देखरेख में, और जब वो वारदात करके जाते हैं, पुलिस सामने खड़ी है, वो बारी बारी उनके हाथ में रॉड्स, हॉकी चेन वो लेके जा रहे हैं। तो भारत का, केंद्र सरकार का, हमारे गृह मंत्री जी का प्रशासन फेल है। उनकी नाक के नीचे से भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी का ये हाल कर दिया। ऐसा तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं होता। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देश चलाने आए थे, और देश की बात करते हैं, इन्होंने सीधा सीधा ये जान के किए, ये बांटना चाहते हैं। इन्होंने बेरोजगारी को, युवाओं को रोजगार देते ना, क्यों नहीं दिया युवाओं को रोजगार? आज एक लड़का यहां पर बोल रहा है डिबेट में, उसकी आवाज दबाई जा रही है। क्या यहां बोलने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, अपनी भारत एक प्रजातंत्र देश है, एक लोकतांत्रिक इसकी व्यवस्था है, बिल्कुल अनुशासन से हमें अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। कोई दायित्व नहीं है सरकार का, अनुशासन सरकार जो का कोर्ट किया ना सर, श्वेता जी, अच्छा श्वेता जी, इसकी जिम्मेदारी आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब श्वेता जी दे दिया, मेरा जवाब, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर इनकी नाक के नीचे से काम होता है, ये प्रशासन किसका है? ये पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती। ये दायित्व किसका था? क्या गृह मंत्री जिम्मेदारी ली? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ली? क्यों ली? और मैं कल दोनों बात कह रहे हैं आप कल सर। श्वेता जी, कल मैं देख रहा था, आप दोनों बात कह रहे हैं, देखिए देख रहा था मैं, देखिए क्लियर है, एबीपी के चैनल, आप दूसरे चैनल को कोट मत कीजिए, मैं मेरा जवाब दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में घुस जाती है पुलिस, यहाँ घुस जाती है, लड़कियों के वॉशरूम में घुस जाती है, मारपीट किया जाता है, क्यों घुसी, सभी यही एक सुर में कह रहे थे। आप जब जेएनयू में नहीं घुसी तो क्यों नहीं? अरे आप बताइए तो, घुसे पुलिस घुसे कि ना घुसे, क्या करे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेट? नहीं नहीं, आप मुझे क्लियर कीजिए सर। देखिए दो पक्ष नहीं चलेगा, नहीं आप कैप्टन आई, मैं आपके पास आऊंगी। पहले देखिए सपा और आप भी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लूं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। संदीप चौधरी से भी मैं पूछ लूंगी, क्योंकि भैया यहां सबसे न्यूट्रल तो उनको तो मानेंगे ना। लेकिन अजय जी एक बार कह रहे, आप ही कह रहे, अभी आपने ही कहा, मैं कुछ नहीं कोट कर रही हूं कि क्यों घुसी, ऐसा पहली बार हुआ, वॉशरूम तक चले गए, लाइब्रेरी तक चले गए, अब कह रहे जेएनयू में क्यों नहीं घुसी। अच्छा, आप कह रहे घुसना है, नहीं घुसना है, पुलिस के सामने मेरा सवाल कैप्टन आई से होगा, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं उसका जवाब दीजिए। नकाब पोश को घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, नकाब पोश कहां से आए, बाद में घुसना चाहिए था, घुसने के बाद आए, ये आरएसएस के व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, आप भी वही कर रहे हैं, आवाज दबाने की कोशिश, घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, क्या प्रशासन के लिए इंतजार करना चाहिए, आप बोल दीजिए, आप क्लियर कीजिए कि नहीं, जब क्या सिचुएशन हो आपके टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए, घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए। ये बात बीजेपी के लोग कर लेंगे, एक मैं उनसे पूछूंगी ना सर, आप बताइए तो। एक मिनट मुझे बोले दीजिए, सवाल मुझसे किया है, हाँ, एक घंटा 29 मिनट के बाद पुलिस आती है, आप सही सवाल, ये पुलिस
ये अमित शाह की पुलिस, ये भारत के गृह मंत्री की पुलिस बैलगाड़ी पे आती है, बैलगाड़ी पे। चलिए बैलगाड़ी, मैं अपील करता हूँ गृह मंत्री से, चाहिए नहीं चाहिए इसका जवाब नहीं मिला, हटाएं, समय पे पहुंचे, नहीं मिला मुझे, एक घंटा 29 मिनट कमाल कर दिया, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए गृह मंत्री। संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, शुभांशु आऊंगी, मौका दूंगी, बिल्कुल दूंगी, लेकिन देखिए जवाब मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए, एक घंटा बैठी रहती है, ड्रामा करती है, अरे प्लीज प्लीज सियासत बंद करो, आप लोग बंद करो, समझा करो शुभांशु, समझा करो, एक मानसिकता अच्छी बात है, एक को फॉलो करना अच्छी बात है, अंधभक्त आप लोग भी मत बनो, आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट की वजह से सभी देश के छात्रों का भविष्य खराब ना करो, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी को बदनाम मत होने दो, आंदोलन करो, बिल्कुल आंदोलन करो, हिंसक मत हो, हिंसक मत हो। चलिए संजीव चौधरी, संजीव चौधरी मारेगा हथौड़े से तो क्या करेगा, उसके पास कोई चारा नहीं, उस बेटी को मारा, वो पुलिस को फोन करता है, आयुषी मारा बेटी को, आपसे भोले तो कोई है ही नहीं, आपसे भोले कोई है ही नहीं, वो सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन आपसे भोले कोई है ही नहीं, मैंने लेफ्ट विंग पहले ही ये इस वजह से मैंने बताया कि लेफ्ट विंग सर मानसिकता शुभांशु मानसिकता होनी चाहिए, एक किसी आप चीज को फॉलो कर रहे हो वो गलत बात नहीं है, अंधभक्त किसी चीज के लिए भी ना बुरा होता है, तो केवल मीडिया पे ही मत लगाइए, अंधभक्त मत बनिए, जो सही है उसके साथ खड़े होइए, आपके आंदोलन को मैं भी सपोर्ट करूंगी, हिंसक और उग्र ना हो तो, किसी को नुकसान पहुंचा कर ना हो तो, उन छात्रों को ना रोके जो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना, आप उनको अगर रोकेंगे जोर जबरदस्ती तो भी मैं आपके अगेंस्ट में बोलूंगी। संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, आपके नेता सपोर्ट करते हैं, आपके नेता भी सपोर्ट करते हैं, क्या आप सिर्फ और सिर्फ छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के आप लोग चलाएंगे? कैप्टन आई प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए सबसे मुझे लेने दीजिए, कैप्टन आई, कैप्टन आई प्लीज, एक बार मैं रिएक्शन सबसे ले लूं फिर मैं आऊंगी आपके पास, जवाब आप ही को देना है सर, एक बार मैं सबसे कमेंट ले लूं, बोलिए श्वेता जी, जी संजीव जी, जी बताइए, आपके नेता भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में भी आए हैं, नहीं नहीं देखिए स्टूडेंट के किस तरह के प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं आप बताइए, एएमयू में जो हुआ, नदवा में जो हुआ, पत्थर फेंके गए पुलिस को, आप क्या कहेंगे, सही है सर, सही है ये प्रोटेस्ट का तरीका? देखिए श्वेता जी, पत्थर आपको दिखाई दे गए कि स्टूडेंट को बांध के मारा गया, क्या आपको वो नहीं दिखाई दिया पुलिस के द्वारा? दूसरी बात, अभी हमारे कैप्टन साहब जब बोल रहे थे एक छात्र, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी हर बात से सहमत हूँ, मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से आए, कहाँ से आए, कैसे आए, लेकिन जो ये अपनी बात रख रहे हैं मैं इनकी हर बात से सहमत हूँ जो इन्होंने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल छात्रों की, नौजवानों की आवाज दबाने का काम कर रही है, अभी एक हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेवारी ली है वहां पर हमला करने की, मैं पूछना चाहता हूँ कैप्टन साहब से, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, जब एक वो मीडिया के माध्यम से और अपनी वीडियो डिक्लेयर करता है तो आपने, आपको जब ये कहता है कि मैंने किया आगे भी मैं करता रहूंगा, सवाल इस बात का नहीं है वहां गलत हुआ है सही हुआ, सवाल इस बात का जो अपनी जिम्मेवारी ले रहा है उसको आपने अरेस्ट करके जेल में क्यों नहीं डाला, कहां हो आप, कहां आपकी सरकार, कहां आपके मोदी जी, कहां आपके गृहमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सुनिए पहले बात, सुनिए पहले बहुत सुन लिया तुम्हें पहले, तुमने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जो नुकरा मैंने हत्या की है, मैं सर फोड़ूंगा और आगे भी सर फोड़ता रहूंगा, आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं है? दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसा ना हो कि एक दिन ये देश तुमको यहां से भगा दे, तुम तो सबको भगाने पर लग रहे हो, इतना अत्याचार मत करो इस देश के ऊपर, छात्रों की आवाज तुम दबाओगे, किसानों की आवाज तुम दबाओगे, वहां जो हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आप किसकी निंदा करते हैं, कैप्टन आई चरित्र में बताइए आप, अरे सर मुझे तो पूछ लेने दो, नहीं सपा का चरित्र, कैप्टन आई,
संजीव चौधरी मुझे क्लियर कीजिए किस चीज की निंदा की आपने। आप मुझे बस ये बताइए, आपने अभी निंदा की कि मैं वहां जो हुआ उसकी निंदा, कहां क्या हुआ, किसकी निंदा की, ये जरा क्लियर कीजिए सर। बिल्कुल क्लियर करेंगे। किस बात को, नदवा में पत्थर फेंके गए उसको आपने उसकी निंदा की या एएमयू में जिस तरह से? नहीं नहीं, मैं नहीं घुमा रही, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैं वही लाऊंगी। आप डिबेट घुमाएंगे तो मैं भी वही लाऊंगी। निंदा किसकी की आपने? सब कुछ बोल गए और एक सेंटेंस डाल दिया मुझे। ये है सियासत। आंखें खोलिए और देखिए, ये है सियासत। किसी सियासत की बात कर रहे हैं? कोर्सेज के नाम नहीं पता होंगे, कोर्सेज के नाम नहीं पता होंगे क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, लेकिन सियासत देखिए। श्वेता जी, सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं। मीडिया को जवाब, विपक्ष को, मीडिया को भी जवाब देना है और सरकार को भी जवाब देना। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? मैं पूछूंगी सर, मैं छोड़ूंगी नहीं कैप्टन आई सिंह को। अंजू रानी हार गया, हार मान लिए, हार मान लिए सर, जवाब नहीं दे पाए तो हार मान लिए, हार मान लिए संजय चौधरी, हार मान गए सर। चलिए कैप्टन आई सिंह, प्लीज 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 लास्ट कमेंट में ले लूं फिर मैं आती हूँ, सबका जवाब दे दीजिएगा, सबका जवाब दे। संजीव जी आपने तो हथियार डाल दिए, आपने हथियार डाल दिए। अंजू रानी संजीव चौधरी आपने हथियार डाल दिए सर, आपने हथियार डाल दिए, आपने हथियार डाल दिए कहके मीडिया को भी जवाब देना पड़ेगा। अरे हमने तो पूछा आपसे अंजू रानी, कुछ समझ में नहीं आएगा सर। एक और कमेंट, एक मिनट, आप एक बार बताइए, आप पूछते क्यों नहीं सर? मैंने आपको पूछा, अरे आने दीजिए, अरे आने दीजिए, आने दीजिए मुझे। अंजू रानी का भी ले लूं ना, सबका साथ में पूछ लूंगी, अभी दो गेस्ट मेरे पास बचे हुए हैं। अंजू रानी प्लीज प्लीज सर प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी सर। सर प्लीज देखो, एक मिनट देखिए, दो गेस्ट बचे हुए हैं ना, इनका भी रिएक्शन ले लूं ना। सबका जवाब तो कैप्टन आई को ही देना है, फिर आप बोलेंगे कि आपने उनसे पूछा नहीं। अंजू रानी आप भी यही कहेंगी जो संजीव चौधरी और जो अजय अरोड़ा कह रहे हैं? आप पार्टी तो कम से कम मैं मानती हूं, मनीष सिसोदिया का कुछ स्टेटमेंट जो स्कूल और छात्रों को लेकर है और जिस तरीके से आप लोगों ने काम भी किया है, खुद मनीष सिसोदिया ये बात कहते हैं ना कि जो जो एजुकेशन है वो उसके पूरे ढांचा बदलनी चाहिए और पहले के जमाने से जिस जो तरीका था वो उस तरीके में बदलाव की जरूरत है। बहुत लंबा चौड़ा मुझे याद है भाषण दिया था मनीष सिसोदिया ने, तो आप तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर बात करने वाली पार्टी है। आप पार्टी आई ही अस्तित्व में इसलिए कि एक बदलाव देखने को मिलेगा, इसीलिए तो दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। लेकिन क्या आज आप भी मानती है ये छात्रों के सियासत के पीछे जो तमाम पार्टियां लगी हैं, आप भी क्या उसी 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 साइड में हैं, या फिर मानती हैं कि छात्रों को अपने भविष्य को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? आंदोलन अपनी जगह है, आप आवाज उठाइए, लेकिन हिंसक रूप में नहीं, उग्र नहीं, अपने भविष्य के बारे में पहले सोचे। अंजू रानी देखिए, मुझे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति लगती है और मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारे छात्रों के साथ जो भी स्थिति बनी हुई है, ये आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आने वाला हमारा देश है, हिंदुस्तान है, हमारे बच्चों के साथ ये जो धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है इन्हें, पढ़ाई के नाम पे उन्हें गलत गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं और राजनीतिक दल उसे अपने अपने इस्तेमाल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आप जामिया यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, जेएनयू में जो हुआ है उसका हाल देख लीजिए कि हमारे छात्रों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ। एक तरफ तो नारा लगाते हैं बीजेपी वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और आतिशी घोष जी के साथ क्या हुआ है ये किसी से किसी छुपा हुआ नहीं है। उनके आयशी घोष जी के साथ उनके सर में 16 टाके लगे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां पर लड़के आते हैं, मुंह बांधते हैं, ढाटा बांधते हैं और धीरे धीरे ऐसे आते हैं जैसे वो वॉकिंग करने आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हल्ला मचाते हैं, मार तोड़ करते हैं और पुलिस वहां पर एक्शन नहीं लेती है, तो ऐसे देश थोड़ी। क्या छात्रों के कंधों को इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको लगता है कि छात्रों को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारी यूनिवर्सिटी के जवान छात्रा को, जो हमारे एनर्जी आने वाले टाइम की, हिंदुस्तान की एनर्जी है, एक तरफ तो कहते हैं कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है
और एक तरफ आप उसकी एनर्जी को ऐसे मिसयूज कर रहे हैं, यानी मिसगाइडेड है ना? बिल्कुल मिसगाइडेड है। आशु, आपका जवाब मुझे लगता है यहाँ पे मिला होगा आपको, कि मेरी ही बात नहीं है। नहीं, एक और रिएक्शन ले रहा, हाँ आपसे लूंगी, लेकिन देखिए ये मिसगाइड हो रहे हैं लोग, मिसगाइड हो रहे हैं लोग छात्र, खासकर आपको नहीं लगता ना? क्योंकि आपकी एक मानसिकता बनी हुई है, आपकी एक मानसिकता बनी हुई है ना? संदीप चौधरी, राजनीतिक दल अपने अपने संदीप चौधरी इन्हें यूज करते, आपने सब गलत और गंदा, अब एक अनबायस रिएक्शन मुझे लगता है कि यहाँ बैठे तमाम गेस्ट माने, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं। देखिए सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, सही है, लेकिन सब कह रही है हम तो सियासत नहीं कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? देखिए श्वेता जी, ये जनरल के प्रोटेक्टर मैंने संदीप चौधरी से तोड़फोड़, चलिए चलिए अपनी अपनी बारी में बोला, शुभांशु आती हूँ इनके बाद, मैं कैप्टन आई के पास उसके बाद आती हूँ। जेएनयू का प्रशासन फोन कर प्रदर्शन के नाम पर देश जलाने वालों से, आतंक के ठेकेदारों से, देश जलता हम अपना देख नहीं सकते और ऐसे गद्दारों को खुला छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से जो लोग देश जलाना, मैं श्वेता जी मैं क्लियर करूंगा आपको, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। आप ये देखिए जो कांग्रेस की रैली दिल्ली में हुई थी, उससे पहले पूरे देश का माहौल शांत था, उसके बाद कैसे सारी चीजें बदलती चली गई। वो चीज जामिया में जाती है, वो बराबर में आपके रोहतक है, रोहतक यूनिवर्सिटी में नहीं जाती है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं जाती है, वो जामिया, जामिया से अलीगढ़, अलीगढ़ से एएमयू, ये चीजें समझने की है। और आपको एक चीज क्लियर कर दूं श्वेता जी, कुछ प्रदेशों में कुछ लोग छात्रों को गंदा बनाकर, राजनीति करने का काम कर रहे हैं, छात्रों का राजनीतिकरण हो रहा है श्वेता जी, छात्रों का राजनीतिकरण हो रहा है। अगर छात्र खड़ा होता तो हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी है, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, लेकिन ये चुनिंदा जगह पे क्यों हो रहा है? इसमें पूरे तरीके से मुस्लिमों को बोल रहा है, कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए। आप लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है क्या? मैं नहीं बोल रही हूं एंकर के ऊपर और मीडिया के ऊपर तो आरोप लगते हैं सर, हमें सब कुछ कबूल है, जैसे शंकर ने पिया था ना सर विष, हम भी पी लेते हैं। आप गोदी मीडिया बोलिए, आप कुछ बोलिए, हम सुनते रहेंगे लेकिन अपना काम करते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बोल रहा है, आप लोगों में किसी में पेशेंस नहीं है, ना शुभांशु आप में पेशेंस है, आप लोगों के छात्र, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट का तो सबसे बड़ा यही होता है, आप देखिए सुनिए समझिए और उसको ग्रास्प कीजिए। और अगर ये अभी से ये हालत है, कैसे आप आगे जाएंगे शुभांशु? श्वेता जी ये तो दिख रहा है ना, श्वेता जी तो सुनिए, तो बोल रहे हैं ना, श्वेता जी अब उन पे भी आप बायस होने का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सुन लीजिए, किसने जिम्मेवारी ली है उसके बारे में बोलता जरा, मैं किसने जिम्मेवारी ली है? अरे सुन तो लीजिए पूरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, दोहरे इलेक्शन है, केजरीवाल जैसों को तो सीएए में भी हिंदू और मुसलमान नजर आता है। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि हर चीज को राजनीति से जोड़ देते हैं, जो चीज देश हित में है मुझे ये बताइए वो देश के खिलाफ कैसे है? और सब लोग क्यों खड़े नहीं होते हैं, क्यों उसके समर्थन में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पहली बार ऐसे कोई एक विधेयक है जिसके सपोर्ट में देश में लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लोगों को बहकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और वही यूनिवर्सिटी एएमयू है, वही जामिया है, उन्हीं लोगों को सामने किया जा रहा है। आखिर आप क्यों मुसलमानों के कंधे पर रखकर गोली क्यों चलाना चाहते हो? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी सरकार को घेरने का, आप टॉपिक पे शांति। अरे सर अब मैं कुछ पूछ लूं, अगर आप लोग
बस हो गया, अभी आपको बहुत मौका मिलेगा मैम फील्ड में काम करने का, अब तो इलेक्शन डेट आ गए। बस मैम आप सरकारी स्कूलों में देखिए पढ़ाइयों का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रखा। मैंने मनीष सिसोदिया का नाम कोट किया ना मैम, अब और क्या चाहती हैं कि आपकी प्रवक्ता बन जाऊं। बोला ना मैम कि जो चीज अच्छी लगी जिस पार्टी की, कैसे आप कह देते हैं मीडिया पे आरोप लगा देते हैं। जो बात अच्छी थी मनीष सिसोदिया ने ये कोट किया था कि नहीं, उठा के देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने स्कूल रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेकर दिए थे। और उसके बाद आप लोग बच्चों को भटका तो नहीं, बस वही मैं यही कोट करवा रही थी। आप मानते हैं ना कि राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाए जा रहे हैं जो नहीं चलाने चाहिए। छात्रों को भी समझना पड़ेगा, गोली चलाई जा रही है पहले ये भी तो, हाँ छात्रों पर भी गोली चलाई जा रही है क्योंकि छात्र ऐसे खड़े खड़े होकर जा रहे थे और वहां से पुलिस आई, जलियांवाला बाग कांड हो गया, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। अरे सर मीडिया के लोगों को गिरा गिरा के पीटा है आप लोगों ने, क्या बात करते हैं। मीडिया के लोगों को आपने टारगेट किया है, हमारी गाड़ियां चलाई गई हैं, क्या बात करते हो सुभाषु, हमारे ओबीएस चलाए गए हैं। चलिए मुंह मत खुलवाइए, मीडिया के गाड़ियों को टारगेट किया गया है। आप जेएनयू में, आप जेएनयू में स्टूडेंट विंग अंदर घुसने नहीं देते हैं, आपकी बकौती है। मैं पूछ लूं एक बार, मैं पूछ लेती हूँ, आरोप लगेगा ना, एक मिनट पहले संजीव चौधरी प्लीज, एक मिनट अजय जी मैं एक बार कैप्टन आई से पूछ लूं, आपको कुछ एड ऑन करना होगा कर दीजिएगा। संजीव चौधरी का पहला बयान कैप्टन आई कि जिसने जिम्मेदारी ली उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी तो छोड़िए सर, क्या उस वीडियो की सत्यता और कोई सामने आके कह रहा है कि हमने करवाए और हम आगे भी करवाएंगे तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है। दूसरा सवाल जो कि मेरा सवाल है सर, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 100 के लगभग कॉल गए और जब लाइफ थ्रेटनिंग के कॉल जा रहे हैं, मैं अपने घर पे बैठे अगर कॉल कर रही हूं 100 नंबर पे कि मुझे डर है कि मेरी जान को खतरा है, आप प्लीज पहुंचिए, तो क्या मेरे सोसाइटी के गार्ड से परमिशन लेगी पुलिस? और अगर परमिशन लेगी तो इतना टाइम लग जाता है परमिशन लेने के लिए, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने में आपको इतना टाइम लग रहा है, कौन सा महाकाव्य लिख रहे थे आप कि इतना वक्त लग गया? कौन मतलब इस मुद्दे पर जब लाइफ थ्रेटनिंग के इतने कॉल्स आ रहे हैं आप अंदर नहीं घुसते हैं और आप कह रहे हैं कि आपको टाइम लगा क्योंकि प्रशासन, तो सर कहां टाइम लगा, किससे आपने ली प्रशासन की, कब आपको फोन आया, ये इस पर आप डिटेल बताइए सर। दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल आपसे अजय अरोड़ा जी ने कहा था, आप पूछ रहे थे ना सर, आप ही पहले पूछ लीजिए नहीं तो कहेंगे शब्दों को मैंने तोड़ मड़ोड़ दिया। पूछिए कैप्टन आई को जवाब देना, आरएसएस का मैं बता, एक बार जवाब ले ले फिर आप बोले। नहीं अजय जी कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसे साथ जोड़ देना, जोड़ दीजिए थोड़ा, मैं आप लोगों से कहूंगा कि थोड़ा नहीं, अजय जी का सवाल भी ले लीजिए, बीच में ना बोले सवाल ले लीजिए ना सर, तो उसका जवाब भी सुन ले कैप्टन साहब, कैप्टन साहब एक मिनट, अरे ले लीजिए कैप्टन साहब, ये क्या तरीका है अंजू जी, यही सवाल मैंने कहा, आप लोग क्यों यहाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि सब एक साथ बोलते हैं, क्या दर्शकों तक बात जाती है। अजय जी आप अपने सवाल छोड़े, मैंने दो सवाल, एक सवाल इनके भी है, तीन सवालों के जवाब बड़े बड़े इत्मीनान से ऊंची आवाज में आप बात, नहीं सवाल रखिए सर, सवाल ये है जेएनयू में आरएसएस का ग्रुप बनता है, मोबाइल पे चला, चैट चली, आ जाओ ठीक है, और उसमें चैट में चला कि हम 25-30 लोग ही हैं, आप बाहर से आओ, क्या ये आरएसएस को करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? ये छोड़ दीजिए, आपका सवाल क्या है? आप नहीं, मैं कहा पूछ, उन्होंने कहा जी हम संख्या, अरे सवाल पे सवाल है श्वेता जी, आपकी मेरी वाणी निभा सकती, सवाल ये है कि नकाब पोस्ट आरएसएस ने बुलवाए, चलिए बताएं, चलिए तीनों सवाल के जवाब दीजिए सर, आरएसएस ने नकाबपोश जो थे वो भेजे थे, आरएसएस ने भेजे थे, दूसरा मेरा सवाल हो गया कि पुलिस क्यों लेट से आई, और तीसरा सवाल पूछ रहे थे जी, हाँ जिम्मेदारी जिसने ली है वीडियो की जो कि संजीव जी पूछ रहे हैं, हाँ तो बस उन पर क्या कार्रवाई हुई है? श्वेता जी
जो जिसने कहा है उसका वीडियो देखा जा रहा है, उस पर पूरी गहन जांच चल रही है। एक बार जवाब ले लें आप, थोड़ा जवाब आप शांति रखें, जवाब ले लें आप। अरे साथ लेके चलिए, साथ तो हम 10 लोगों को खड़ा कर देंगे। आप सिक्योरिटी एजेंसी है, आप सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, सिक्योरिटी इतना पेशेंस नहीं होता आप लोगों में। आप सिक्योरिटी, अरे संजीव जी सुन लीजिए, आपका सवाल पूछा ना, आप महत्व नहीं है ये, आपका आपका चरित्र मालूम है, समाजवादियों का चरित्र मालूम है, समाजवादियों का चरित्र मालूम है, सच्चाई बोलो तो आपको लगती है सच्चाई आपको। अरे जवाब तो ले लेने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और ये अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज संजीव जी, संजीव जी सवाल सुनने की क्षमता है संजीव जी बस बस। आपको जब समय मिला मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए कैप्टन आई जवाब दीजिए, आप सुनिए मेरे कैप्टन, आपने जो सवाल किया मैं उसी का जवाब देने चाह रहा हूँ। कैप्टन आई प्लीज कम टू द पॉइंट। ठीक है, जिस जो कह रहा है कि हम उसमें इन्वॉल्व थे उसके ऊपर गहन जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, उस वीडियो की भी जो है ना लैब में जांच कराई जा रही है, और जैसे ही कि उसको सबूत हो जाएगा कि ये हुआ है तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुझे जांच ये पिंकी चौधरी के बारे में सुरक्षा एजेंसियों का काम है। ठीक है, हमारा एक बटे एक बटे आप सुनने की क्षमता रखे, 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 बर्दाश्त की क्षमता रखे। यूपी में गुंडा का राज राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, कृपया शांति रखे। ठीक है ना, यूपी में तो क्या हाल है हमारा, बड़ा दुख होता है, यही सियासत हो रही है, यही सियासत बार बार मैं बोल रही हूँ, एक बार भी पेशेंस नहीं है सुनने का। प्लीज सर प्लीज, दूसरा जवाब नहीं, नहीं ऐसे जवाब चाहिए ही नहीं। आप लोग आपस में बोल लीजिए और विंडो कटवा देती हूँ दर्शकों को, दर्शकों पे कि इन्होंने कहा प्लीज एक मिनट कैप्टन आई, एक मिनट, अब मैं जवाब ही नहीं लूंगी अगर आप लोगों को एक दूसरे में बोलना है। एक बार तीनों सवाल के जवाब दे लेने दीजिए, सवाल के जवाब से ही सवाल निकलेंगे ना। संजीव जी आप रिजिड हो जा रहे हैं, कितना टाइम निकल गया, कितनी बार मैं किस गेस्ट पर आ पाई, मुद्दा समझने नहीं देंगे आप लोग प्लीज, तो सुनिए ना जवाब, जवाब सुनिए पहले, जवाब सुनिए बस बस। इतना क्यों हाइपर हो रहा है, पानी पीजिए थोड़ा, पानी पीजिए, चाय कॉफी पीजिए, नहीं मिले क्या, चाय कॉफी पीजिए सर, आराम से सुनिए पहले। चलिए छोड़िए, आप चरित्र पर मत आइए, चरित्र पर मैं बैठी हूँ ना सर, मैं बैठी हूँ ना, मैं बोली ना, मैं कंडम कर रही हूँ। दूसरा सवाल सुने हमारा, पुलिस लेट नहीं पहुंची, जब जामिया में पुलिस हमारी टाइम से पहुंची, जामिया पर मत जाइए, बिलवला जेएनयू पर आइए, जेएनयू पर आइए, जेएनयू पर आइए, आपकी किताब लगी, किससे परमिशन मांग रहे थे, किससे परमिशन मांग रहे थे, किसने परमिशन नहीं दी, अजय जी मैं पूछ रही हूँ, कैसे चली गई, नहीं नहीं किससे परमिशन मांगी आपकी पुलिस ने, हम खुद ही 100 नंबर को कॉल कर रहे हैं, किससे परमिशन मांगी और किसने परमिशन देने में लेट की, ये क्लियर हो ना, यहाँ पर क्लियर कीजिए ना, तो वाइस चांसलर जिम्मेदार है, इसका मतलब वो संरक्षण दे रहा था उन गुंडों को, जो आप बोलिए वाइस चांसलर प्रशासन, अगर वो संख्या, अरे कौन प्रशासन सर, कौन प्रशासन, कौन प्रशासन है, मैं किसी को कॉल करूंगी अगर जेएनयू के प्रशासन में, तो वो वीसी होगा, रजिस्ट्रार होगा, प्रोक्टर होगा, किसी एक को तो फोन करूंगी, और जेएनयू ऐसी जगह भी नहीं है सर कि ढूंढना पड़ेगा नंबर, 100 नंबर पे कॉल आए और वो भी एक दो नहीं 100 कॉल आए, और आपको परमिशन के लिए जरूरत पड़ रही है, मुझे नाम बताइए, नाम बताइए, कौन प्रशासन नेम अंदर, इसलिए इज इट वाइस चांसलर, वाइस चांसलर को ये लग रहा था कि हम संभाल लेंगे, वाइस चांसलर चीफ प्रॉक्टर इस साजिश में शामिल है, बिल्कुल नहीं शामिल है, बिल्कुल नहीं शामिल है, आप वाइस चांसलर का बचाव क्यों कर रहे हैं, ये वो संघ आप कर रहे हैं, वो संघ आप कर रहे हैं, आपकी जो है छात्र संघ की अध्यक्ष
उसने सर्वर जाके तोड़ा, गलत तो आप सर तोड़ देंगे, लड़की है वो, लड़की है नेता, इसलिए सर तोड़ देंगे। किसने तोड़ा है? अरे भाई बस जिसको मर्जी जो बोलिए, डिबेट जिस और ले जाना आप ले जाइए, मैं ही नहीं पूछती हूँ सवाल। नहीं मैं एक मिनट, आपके जवाब गोलमोल है सर, आप मुझे नाम नहीं दे पा रहे हैं कि प्रशासन कौन, प्रशासन आप किससे उम्मीद कर। मैं अपने घर से फोन लगाऊंगी 100 नंबर पर और बोलूंगी मुझे मुझे जान का खतरा है, तो पुलिस आके मेरी सोसाइटी के बाहर वेट करेगी कि यहां मैं किससे परमिशन लूं, गार्ड से बात करेगी, सिक्योरिटी से, या सीधा अंदर आएगी उस फोन कॉल के बेसिस पे? नहीं, पुलिस बिल्कुल गई है। तो किस प्रशासन से बात करेंगे जो एक दो घंटे वेट करना पड़ेगा? गुंडे कौन थे? गुंडे आपके थे, गुंडे गुंडे थे, गुंडे आपके थे, आपके गुंडे थे, प्रायोजित गुंडे थे, गुंडे आप लोगों के कायदे गुंडे निकल गए। गुंडे तो आपके थे, आपने दिन में शुरुआत ही गुंडों से करी थी, आपने फॉर्म रुकवाए तभी थे, आपने गुंडे प्लानिंग करके गुंडे बनाए थे। पकड़ लीजिए, चलिए बचोगे नहीं, पकड़े जाएंगे। और ये लड़की 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 कौन कह रहा है? लड़की लड़की लड़की, अजय जी आप भी कह रहे हैं क्या? नहीं, आप भी कह रहे हैं लड़की लड़की पे अटैक किया लड़की, ये मैंने 2-3 बार सुना, सुभांशु के मुंह से तो सुना है मैंने, संजीव जी भी बोल रहे हैं कि लड़की थी वो, और भी किसी ने बोला, शायद अंजू जी ने भी बोला क्या? थी, राजनीति कर रही है, नेता बनी हुई है, इसलिए जो भी कंजर्वेटिव लोग हैं, जो भी मनुस्मृति एबीपी की लड़की है, एबीपी की लड़की, उसका हाथ टूटा है, उसका भी हाथ टूटा है, उसको कितने मारा है? कैसे लड़की इतना वोकल हो गई है? एक लड़की है, उसका हाथ टूटा है। लड़की 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 का मुद्दा किसने उठाया? लड़की का मुद्दा किसने उठाया? सुभांशु एक मिनट, लड़की की का जिक्र तो शुभांशु ने किया, मुझे शायद लगता है कि अंजू रानी आप भी कह रही थी कि लड़की थी, लड़की पे अटैक हुआ, लड़की पे अटैक हुआ। पहली बात तो मैं यहाँ लड़का लड़की के भेद को ही क्लियर कर दूं, मैं खुद एक लड़की हूँ और एक मिनट, मैं खुद यहाँ बैठ के डिबेट कर रही हूँ, तो ये लड़का लड़की मत कीजिए। अगर आप जाती है सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने के लिए, हाथ में आपके छड़ी और डंडे हैं, फिर आप कहिए आपके ऊपर आरोप हो, ये कौन सा अधिकार आप मानती है? एक तरफ आप नारियों को अधिकार देने की बात करती है, एक मिनट एक मिनट, एक तरफ बोला जाता है हम देश के आधी आबादी है, हमें हक दो, और दूसरी तरफ लड़की है, लड़की है। अरे राजनीति इतनी भी मत करो, इतनी भी मत करो, इतनी भी मत करो। क्या लड़का और क्या लड़की, क्या लड़का, लड़की को आगे कर दे रहे हो आप लोग, लड़की को आगे कर दे रहे हो। जब पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, ये वीडियो सामने आया है सुभांशु, ये वीडियो सामने आया है, लड़कियों को आप लोग आगे कर दे रहे हो, ढाल बना रहे हो। शर्म करो, शर्म करो आप लोग, शर्म करो, हर जगह लड़कियों को आगे कर देते हो। और ये समझना चाहिए, हर उस नारी को समझना चाहिए कि उसे एज अ टूल नहीं इस्तेमाल होना है। लड़कियों को आगे करके आप लड़की हो, लड़की हो कह रहे हो, दंगा करने में हमारे हैं और लड़की है, क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसे ना, ऐसे राजनीति मत करो, मुद्दे उठाइए, मुद्दे उठाइए जो देश के मुद्दे हैं। हां, छात्रों के पीछे छुप के राजनीति मत कीजिए आप लोग, यहाँ बैठकर बात रख रही है अपने अधिकारों की। नहीं मैं सुनूंगी नहीं, आप लोग नहीं सुन रहे, मैं नहीं सुन रहा। लड़की नहीं थी, किसकी सरकार थी जब राजपाला को रामलीला मैदान में गोली पीट के मार दिया? जब राजपाला को रामलीला मैदान में गोली पीट के मार दिया, किसकी सरकार थी? कुछ नहीं बोला, मर्यादा कहाँ है? मर्यादा कहाँ है? क्यों यहाँ की मर्यादा हो रही है? मर्यादा क्या है? लड़कियों की मर्यादा क्या है बताइए? लड़कियों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग संस्कार होते हैं। अन्ना के आंदोलन में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, किस पर हुआ था? संदीप चौधरी, एक मिनट, सुभांशु 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 कैप्शन आए प्लीज, देखिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं माइक डाउन करवा दूंगी। बस 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 प्लीज 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 बोलो बहन जी, बोलो। नहीं एक मिनट, अजय जी बोलो, मतलब पार्टी का फोरम है,
पार्टी का फोरम है यहाँ पे, बोलो बोलो, मतलब बोलो तो ये पार्टी का फोरम है, बोलो मतलब बोलो, नहीं मैं ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी, आप बोलो, आप बोलते हैं, सिर्फ कैप्टन साहब को बोलेंगे, भाई इन्हें काट दो, नौजवान क्यों नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे, काट दो इन्हें, काट दो, बोलने दो, अरे हिंदू सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आज का सवाल हमसे करना है, जवाब भी हमें ही देना है, आज का सवाल हमसे करना है तो जवाब भी हमें ही देना है, जवाब दे नहीं पा रहे, ये हो रही है क्या, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जवाब बोली बोली और बोली, सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी मुझे ही देना है, दर्शकों को बहुत अच्छा बोले, जवाब दें आप जवाब दें, ठीक जवाब दें, देखिए गौर से देखिए, देखिए इन्हें गौर से देखिए, चेहरे पहचानिए, पहचानने की कोशिश कीजिए इसके पीछे की सियासत, पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये वही भारत देश है जहां हम गौरव से कहते हैं कि झांसी की रानी, वो झांसी की रानी लड़के लड़की के डिफरेंस को शायद ही समझी होगी, ये वही भारत देश है जब हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी, ये वही भारत देश है जब हम ना जाने कितनी ऐसी महिलाओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने शायद ही लड़का लड़की की मेंटेलिटी उठाई होगी, लेकिन सियासत देखिए, सियासत देखिए कि एक छात्र बैठा भी बोलता है लड़की थी उस पर नहीं चलाना चाहिए था, अरे लड़की थी तो क्या, नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़की थी, आपने बोला सुभाषु, लड़कियों की मर्यादा बोला जा रहा है मेरे डिफेंस में बैठ के कि मैडम आप बोलिए, आप बोलिए क्योंकि आप महिला हैं, आप बोलिए, बोलिए मारना चाहिए, बोलिए बिना मुद्दे के बोलिए, आप सब बोलिए, मनुष्य मिलकर मैं दिखा दूं कोर्ट करके, मैं कोर्ट करके दिखा दूं कि मनुष्य कोर्ट में क्या लिखा है, आपकी तो मनुष्य मनुष्य में ये लिखा है कि लड़की कहना ना माने तो उसे लकड़ी से मारना चाहिए, ये मनुष्य स्मृति का कथन है, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, इन लोगों को, अगर ये इन लोगों के वॉल्यूम को सुनाइए, दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए कि मुद्दा कहां जा रहा है, श्वेता श्वेता जी एक मिनट बोली नहीं कर सकते, एक मिनट और संविधान का चरित्र, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब एक मिनट, संविधान नहीं है, अब नहीं पा रही है, होगा कैप्टन साहब नहीं पा रही है, ये सवाल था श्वेता जी, ताज्जुब हो रहा है सर मुझे, अब मेरी बारी है, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, सवाल ये कि था, नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है, इससे बुलवाई जाएंगी, मैंने पार सेटिंग चलेगी, यहाँ पे पार सेटिंग चलेगी, सुनिए मेरी बात, सवाल ये था, आप सब सवाल तो हमसे पूछ रहे हो, तो जवाब गलत दे रहे हो, आप बात भटका रहे हो, मैं किसी से सवाल नहीं ले रही, मैं किसी से सवाल नहीं ले रही, प्लीज राजनीति करने नहीं आए, उन्होंने आते ही शिक्षा के नाम पर जो काम किया है, आप सब पार्टी देखिए, प्लीज 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 प्लीज, आप लोगों ने डिसाइड खुद ब खुद कर लिया है, अगर कि 5 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट अब उन्होंने बोल लिया, 5 मिनट मुझे बोल के जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि पार्टी के फोरम पे भी लोग देख रहे होते हैं किसने किसका मुंह कितने देर तक के लिए चुप करा दिया, तो सर 5 मिनट ही बचे थे, अब तो 4 मिनट बचे होंगे, सब एक एक करके एक एक मिनट बांट के कुछ 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 बोल लीजिए, चले जाइए, नाम मैं पूछ रही हूँ, नहीं नहीं दायित्व मेरा है तो आप निभाने दे रहे हैं, आप बोले आप बोल लिया, मैं पूछूंगी, दायित्व आपका, आप लोग खुद में डिसाइड कर रहे हैं, आप खुद में डिसाइड कर रहे हैं, अजय जी प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे ऐसे कह के, तो प्लीज 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 सर, मेरे पास नहीं है टाइम, अब संदीप चौधरी इसी सियासत की बात कर रहे हैं, इसी सियासत की, एक छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन याद होगा सर 1975, उसने कितने नेताओं को दिया, और एक आज का आंदोलन जहां बसें जल रही हैं, जहां पुलिस पर पथराव, एक लग रहा है जैसे सरकार वर्सेस स्टूडेंट क्रिएट हो चुके हैं, और शायद ही इसमें इसमें भी गुट बटे हुए हैं, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वाकई में वो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, जिनके माता पिता उन्हें फोन करके कह रहे हैं जेएनयू से वापस आओ, वो तस्वीर भी हमने देखी कि वो अपना सामान उठाकर जा रहे हैं, क्या सोचते हैं ये लोग उनके बारे में? देखिए श्वेता जी, ये कुछ नहीं सोच रहे हैं इस टाइम पे, और मैंने आपको बताया कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, और छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीतिक दल चला रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, आपने देखोगा पिछले तो 5 साल शांतिपूर्वक कर देना चाहिए पिछले, बिल्कुल ऐसे जो विंग है एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो बंद कर देना चाहिए, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ऐसी चीजों को इससे अच्छा बंद कर देना चाहिए, आप देखिए ना कहा मेडिकल के स्टूडेंट ऐसे कभी करते हैं आंदोलन, कभी कभी ऐसा, एक मिनट समर्थन की बात मत कीजिए, समर्थन सबने किया है, मैं आपको बता दूं आईआईटी मुंबई ने
परिवर्तन किया है, हिंसा के खिलाफ किया है, दैट इज अगेंस्ट हिंसा, दैट इज अगेंस्ट वायलेंस, सुभांशु दैट इज अगेंस्ट वायलेंस, नॉट अबाउट यू, नॉट अबाउट यू, दैट इज अगेंस्ट वायलेंस ओनली, दैट इज अगेंस्ट वायलेंस ओनली, डोंट कोट, डोंट कोट, डोंट कोट, वो वायलेंस के अगेंस्ट था, वो वायलेंस के अगेंस्ट था, और उस वायलेंस के अगेंस्ट हम भी हैं, संदीप चौधरी। श्वेता जी, जिस तरीके से आप उसकी गिरफ्तारी की अभी बात कर रहे थे हमारे समाजवादी के नेता, तो मैं आपको बता दूं देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम भी अरेस्ट हुए हैं, कानून की नजर से वो भी नहीं बचे। और आपको बता दूं, एक सेकंड सुनो, आपका जो बलात्कारी मंत्री था प्रजापति, आपका बलात्कारी प्रजापति आपको मुख्यमंत्री बचा था, कानून का हाथ से कोई नहीं बचा, वो भी जेल में गए, कानून का हाथ से कोई नहीं बचा, वो भी जेल में गए। आप दूध का बने बनो, आप दूध का पार्टी का पक्ष रखे, आपको क्या बात है, हमारी जी आपको पूर्व में जो आपको लिखा हुआ है, ऐसा जो है शादी के हम नहीं है, आप उनके घर में खाना पड़ने वाला था, आपकी पार्टी की जो हत्या की मैंने सर घोड़ा और उसका आप बचाव कर रहे, आपको शर्म आनी चाहिए, जो हम दिखाना चाह रहे थे पढ़ाई कम सियासत ज्यादा, उसकी तस्वीर बिल्कुल इस डिबेट के बाद साफ हो जाती है, उसकी तस्वीर बिल्कुल इस डिबेट के बाद साफ हो जाती है। अब ये दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं कि आप समझिए, वो माँ बाप समझे जो यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजते हैं अपने खून पसीने की कमाई से, कि ताकि उनका छात्र, उनका बेटा जो है, उनका बेटी जो है, वो भविष्य बन, उसका भविष्य बनेगा, वो किस ओर जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। लेकिन हम आज डिबेट इसी मुद्दे पर कर रहे थे, पढ़ाई कम सियासत ज्यादा, और वो इस डिबेट के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो समझने की जरूरत छात्रों को है, समझने की जरूरत उनके माँ बाप को है जिनकी गाढ़ी कमाई जाती है, और वो सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। तो किस तरह का भविष्य आप चाहते हैं, ये आपका राइट बनता है कि उनसे पूछे कि उनके बच्चे किस तरह की आजादी चाहते हैं। क्या घर में भी ऐसे नारे लगाते हैं कि हमें चाहिए आजादी, क्या कभी कहा है? तो सवाल पूछिए कि क्या हो जाता है, जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं उन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों सियासत का ये राजनीतिकरण हो रहा है, क्यों सियासत का हिस्सा बनते जा रहे हैं छात्र, ये पूछने की जरूरत उन मां बाप को भी है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज अपने चर्चा को यहीं पर विराम देती हूं। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। आजादी, आजादी।